दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 30 जून पहले आपको क्या क्या काम कर लेने हैं, वरना फिर लोचा लापसी होगा आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या क्या आपको करना है, कौन कौन सी स्कीम वगैरह सब है उसके अंदर अपडेट करना है। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो। अरे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना मेरे यारों और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो बात करते हैं 30 जून में आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक करना पड़ेगा। ये तो बहुत मगजमारी वाला काम है। पैन कार्ड आधार कार्ड जिसका लिंक नहीं है फटाफट आप कोई भी सीए वगैरह को पकड़ो, ऑनलाइन भी अपने आप खुद करो, पैन कार्ड आधार कार्ड नेम वगैरह चेंज करवा के लिंक करवा दो, क्योंकि फिर लोचा होगा इसके 30 जून अगर सरकार बोल रही है आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। इससे अच्छा है आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवा दो, फिर खाली पॉकेट का टेंशन बाद में क्यों लेने का। बहुत सारे लोग समझते ही नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड लोग फ्री ऐड होता था 2 साल से, फिर 500 की अब 1000 रुपया कर दिया सरकार ने। इससे आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करवा दो 30 जून के पहले। ये तो एक हो गया, एक काम एक करना है आपको, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना है। अभी दूसरा हम देखें तो रिटायरमेंट यानी कि कोई रिटायरमेंट फंड ईपीएफओ में हमारा पेंशन कटता है तो उधर जाता है, तो 26 जून तक आपको उसमें अपडेट कर देना है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है पेंशन में तो यहाँ पे 26 पहले 3 मई था तो अभी 26 जून कर दिया है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट अभी 12% आपका सैलरी का जाता है, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है 20% तो आप कर सकते हो वो, लेकिन 26 जून तक लास्ट डेट है, उसके बाद आप एडवांस इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। फिर आती है टैक्स पे करने वालों की। एडवांस टैक्स पे अगर हमको करना है तो 15 जून पहले करना पड़ेगा। जनरली सैलराइड वगैरह है उनको तो कंपनी काट लेती है पैसा, लेकिन बिजनेस वगैरह वो सब है उनका जो टोटल टैक्स बनता है तो उसका प्रो रोटा के हिसाब से 15 जून तक आपको 15% एडवांस टैक्स के तौर पे आपको देना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स भर दीजिए, जिसका होता है जिसका नहीं होता है उसको कोई मतलब नहीं। अभी तीसरा चौथा है लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू। आरबीआई सरकार के द्वारा किया गया है कि लॉकर एग्रीमेंट आप रिन्यू करवाओ, चाहे कोई भी बैंक में आपका लॉकर है, ये नया नियम है। इसलिए आप बैंक में विजिट कीजिए, एक स्टैम्प पेपर लीजिए, फॉर्म वगैरह भर के दे दीजिए तो आपका लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू हो जाएगा। ये भी आपको करवा लेना है 30 जून तक तो सरकार का टारगेट है 50% तक हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन करवा लीजिए क्यों खाली पीले आपको टेंशन लेने का। अभी पांचवा एक इम्पोर्टेंट है आधार कार्ड में सुधारा। आधार कार्ड में सुधारा वैसे तो होता ही है, लेकिन आधार कार्ड में अगर आप 14 जून तक ऑनलाइन करते हो तो फ्री में है दोस्तों, और बाद में करोगे तो 50 रुपया देना पड़ेगा। कोई भी सुधारो, नाम वगैरह कुछ भी आप करेक्शन करवाते तो 50 रुपया देना पड़ेगा। अभी आप आधार सेंटर पर जाते हो तो 50 रुपया वो लोग लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन करते हो तो फ्री में होता है, लेकिन वो 14 जून के बाद बंद हो जाने वाला है। तो इसमें जो भी काम बाकी है वो आप कर लो, और कुछ नहीं, बस जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।